सर्वदलीय बैठक हुई है संसद भवन में बांग्लादेश के हालात पर। यह सर्वदलीय बैठक विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, एस जयशंकर ने कहा है। बांग्लादेश में करीब 12,000 भारतीय हैं। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा शामिल हुए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पूरे बांग्लादेश में अपना कब्जा कर लिया है, आर्मी ने कमान संभाली है। लेकिन शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो भारत आ गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई भारतीय जो हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन पर भी भारत सरकार ने चिंता जाहिर की है। एक सर्वदलीय बैठक हुई, काफी अहम ये बैठक रही। बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अपराजिता श्री, हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। अपराजिता, बैठक खत्म हो गई है, बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया पूरी जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए बैठक हुई आज बांग्लादेश के बिगड़े हालातों को लेकर के आज बैठक हुई थी सभी सांसद भवन में। ये सर्वदलीय बैठक हुई थी क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं इस बैठक की तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे। खासतौर से बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था बीते दिनों इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कई बार बांग्लादेश जो शेख हसीना है वो इंडिया आती भी नजर आई थी। तो सबसे हम कह सकते हैं कि काफी एक फ्रेंडली बांग्लादेश रिश्ता है इंडिया का। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी परिस्थितियां हैं बांग्लादेश की ठीक होती हुई नजर आए, ताकि जो नेबरिंग जो हमारे नेबर है वो ठीक तरीके से रहे। तो अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की जो हालत है उस पर जानकारी दी है इस बैठक में। साथ ही कहा गया है कि नजर बनाए रखी जाएगी इस पर। करीब 12,000 बांग्लादेश में करीब 12,000 भारतीय हैं, उन चीजों को भी देखा जाएगा कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस बैठक में मुद्दा बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे इस बैठक में। अगर हम ऑपोजिशन की बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार किसी तरीके का कोई एक स्टैंड लिया जाएगा, जिस तरीके से सिचुएशन है बांग्लादेश में वो ठीक होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो लगातार विपक्ष के द्वारा भी एक हम सॉलिडारिटी की उम्मीद की जा रही है, वो दिखने को भी कहीं ना कहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम शशि थरूर की बात करें या फिर तमाम जितने भी इंडियन नेताओं की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी एक चिंता जताई जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेश की जो हालत है वो ठीक होती हुई नजर आए। क्योंकि देखिए नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश, काफी फ्रेंडली हमारा सिचुएशन रहा है बांग्लादेश के साथ। तो बहुत जरूरी हो जाती है कि चीजें परिस्थितियां ठीक होती हुई वहां पर नजर आए। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे, तो उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है, क्या कुछ सवाल उनकी तरफ से पूछे गए, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? हालांकि अभी तो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं राहुल गांधी की तरफ से मिल पाया है। बिल्कुल उम्मीद की जाएगी कि जैसे ही समय बीता जाएगा तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन जरूर इन चीजों को लेकर के आएगा। वहीं अगर हम बाकी नेताओं की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा जरूर बांग्लादेश को लेकर के रिएक्शन आ रहे हैं कि जो भी बांग्लादेश में चीजें हुई है वो काफी अनएक्सपेक्टेड है। नेबरिंग कंट्री है वो हमारा, तो जो सिचुएशन है वो काफी अनइमेजिनेबल है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से, अगर कल की हम बात करते हैं तो किस तरीके से वायलेंस हुआ था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, काफी लोग जख्मी हो गए। हालांकि रिजिग्नेशन के बाद काफी एक थोड़ी शांति देखने को मिली थी, वहां पर जश्न भी मनाया गया था, पर फिर भी अभी सिचुएशन हालत अभी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल जितने भी लीडर्स हैं इंडिया के द्वारा, ये उम्मीद की जा रही है कि वहां के लोगों को ये विश्वास हो कि इंडिया उनके साथ है और लगातार हम कोशिश भी इंडियन गवर्नमेंट करती हुई नजर आएगी कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो जल्द ही ठीक होती हुई नजर। चलिए अब इस मुद्दे पर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल चिंता बिल्कुल जायज है क्योंकि बांग्लादेश के हालात हैं ठीक नहीं है और जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार वहां पर अपना आतंक जो है वो मचा रहे हैं, और 12 से 13,000 जो भारतीय हैं वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो उसे लेकर विदेश मंत्री ने ये चिंता जाहिर की है। अगला रुख क्या होता है भारत का, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता। तो आपको बता दें बांग्लादेश में शांति की उम्मीद के साथ नए दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और देश छोड़ने के बाद हालात ठीक नहीं है। राजधानी ढाका में रात भर फायरिंग चलती रही, और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें भारत की तो कई भारतीय जो हैं वो बांग्लादेश में रह रहे हैं।
सर्वदलीय बैठक बुलाई गई संसद भवन में इन तमाम विषयों को लेकर ही चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने को लेकर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इस दौरान मौजूद रहे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की है।